सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाने वाला सीआईडी पॉपुलर शो था। ये एक ऐसा सीरियल था जिसने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि ये शो कई लोगों के लिए प्रेरणा बना। सीआईडी का पहला एपिसोड 21 जनवरी 1998 को तो वहीं आखिरी एपिसोड 27 अक्टूबर 2018 को टेलीकास्ट हुआ था। बच्चों से लेकर बड़े तक हर दर्शक ने इस शो को बहुत सराहा। सीरियल के हर किरदार को लोगों का बहुत प्यार मिला, यहाँ तक कि इसमें काम करने वाले कलाकारों को आज भी उनके किरदार के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20 सालों तक लोगों का मनोरंजन करने वाले इस शो में श्रेया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कौन थी और सीआईडी के बंद होने के बाद वो अब कहाँ है? अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को लाइक करके बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सीआईडी में श्रेया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का रियल लाइफ में नाम जानवी छेड़ा है। इनका जन्म 29 फरवरी 1984 को मुंबई में हुआ और फिलहाल ही अपनी लाइफ के 40 इयर्स कंप्लीट करने वाली है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2007 में छूना है आसमान सीरियल में समीरा सिंह का किरदार निभा कर की, जिसके बाद बालिका वधू में सुगुना श्याम सिंह का किरदार भी निभाया। लेकिन इन्हें टीवी जगत में पहचान सीआईडी में सब इंस्पेक्टर श्रेया का किरदार निभाने के बाद मिली। जानवी ने अपने एक्टिंग करियर में ज्यादातर टीवी सीरियल में काम किया है और साल 2018 में सीआईडी के आखिरी दो एपिसोड में श्रेया का किरदार निभाने के बाद इन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। आपको बता दें, श्रेया रियल लाइफ में शादीशुदा है। इन्होंने 2011 में अपने बॉयफ्रेंड निशांत गोपालिया से शादी की और 2017 में एक बेटी को जन्म दिया। जानवी को सीआईडी में एक एपिसोड के लिए 40,000 रुपए पर एपिसोड के रूप में फीस मिलती थी और फिलहाल 2024 में इनकी संपत्ति कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है सीआईडी स्टारकास्ट में रियल लाइफ में कौन है सबसे ज्यादा अमीर। वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें।